शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के गांव मजेरा टोकनपुरा में एक युवक द्वारा दुकान के बाहर कचरे को झाड़ने को लेकर उनकी चचेरी बहन से कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवक के चाचा ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को शिवपुरी के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में कुल्हाड़ी से हमले के घायल हुए 17 वर्षीय ब्रजेश लोधी पुत्र फूल सिंह लोधी ने बताया कि उनके परिवार का उनके चाचा राजेंद्र लोधी के परिवार से आपसी विवाद चल रहा है। वो छोटी छोटी बातों पर लेकर झगड़ा करते हैं। 3 माह पहले भी मोटर की पाइपलाइन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत उनके चाचा राजेंद्र लोधी के द्वारा अमोला थाने में करा दी गई और आज सुबह एक बार फिर झगड़ा हो गया। ब्रजेश ने बताया कि वे आज सुबह अपनी दुकान पर झाड़ू लगा रहा था, तभी कचरे को एक किनारा कर दिया। इसी दौरान उनकी चचेरी बहन अंकुर लोधी आई और उससे उस वक्त कचरे को दुकान की ओर फेंक दिया गया। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नाम क्या है? नाम मेरा। अच्छा, ये आपके बच्चे के ऊपर जो कुल्हाड़ी से प्रहार किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? कुल्हाड़ी से क्यों मारा था? किसने मारा? किसने मारा? राजन। ये कौन है राजन? मतलब तुम्हारा कौन है? तुम्हारा भतीजा। मारा क्यों था? इसकी कंप्लेंट की आपने कहीं? कंप्लेंट की, कंप्लेंट रिपोर्ट वगैरह डाली? बाकी नहीं डाली आपने रिपोर्ट? कितने बजे की घटना है ये? 7 बजे की। 7 बजे की घटना है। क्या लगता है आपको, ये इसको मारा क्यों था? मारा क्यों था इसको? कचरे के चक्कर में गाड़ी देने लगे, लाई पकड़ के मारा। तो आपने कुछ, हम बाद में पहुंचे, हम कार्रवाई के लिए आपने कुछ आवेदन शिकायती वगैरह नहीं की? शिकायत वगैरह देने के लिए हमने साहब को गए थाने, सुबह अधीन साहब देख के जाए कुछ उस पर पंडित के रहा था, सुनने भगा दिया, क्या दिया का सीबीसी भी लगा बैठा कर ले रहे हैं। यहीं आए थे साहब। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।